देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है। दरवाजा खोलने आया तो देखिए साफ है यहाँ पर। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, घुस रहा देखो, घुस गया। हम लोग को आज डर लगेगा, मेन दुघारी पर ही सांप घुस गया, कचरा बन गया हमारा घर, देखिए पूरा कचरा बना पड़ा है, पूरा झुका के ले जाना पड़ेगा गेट के। गेट बहुत बड़ा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। चक्कर न्यू हो गया, जैसे हम लाए थे खरीद के उसे बना दिए फ्रिज को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम देख सकते हैं अपने घर में, जो वहाँ दिखाई दे रहा है वो हमारा घर दोस्तों, वहाँ हमें आज जाना है नंदनी। जाना तो है दोस्तों, मगर जा पाएंगे आज के लिए धीरे धीरे तो सामान, क्योंकि इतना सारा सामान है दोस्तों। एक बार जब हम लोग खाली किए थे तो बाप रे, दो दिन लग गया था वहाँ, दो दिन तो लग गया था। और कुछ दोस्त थे जो उससे हम लोग जल्दी जल्दी काम करा लिए थे, इनके दोस्त भी जो आए थे तो कल ही चले गए, तो हाँ सब चले गए हैं। तो वही दोस्तों अब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो अपने सपनों के घर में शिफ्ट होना है दोस्तों। करीब कितना साल रहेंगे भाड़ा में हम लोग, कब तक भाड़ा में रहेंगे? तो इतना साल तो हम लोग, मतलब जब से हम लोग शादी किए भाड़ा में ही रहे, भाड़ा में रहे। अपना घर का तो नसीब हुआ नहीं दोस्तों, पर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से आज अपना घर हो गया दोस्तों। तो अभी आप लोगों के घर में जाएंगे, आप ही लोगों के घर है दोस्तों, अपने सपनों के घर में शिफ्ट होंगे, जो आप लोग ने दिए हमें इतना कुछ। तो दोस्तों तो आज देखिए सामान हम लोग को खाली करना होगा, पूरा पलंग सारा कुछ हमको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एक एक करके, उसके बाद खाली करना पड़ेगा ना सबको, पहले बाहर निकालेंगे रखना पड़ेगा ना, तब ना एक करके, क्योंकि इतना सामान है दोस्तों हमको तो देख के ही चक्कर आने लगता है। ऐसे ही उस साल भी हम लोग खाली, किस साल हुआ हम लोग हर साल खाली करते ना घर, साल भर हो गया, साल भर अभी मतलब हाँ हो गया घर पे, हो जाएगा साल, एक साल हो जाएगा दोस्तों हम लोग यहाँ पास। तो अब हम लोग एक साल के अंदर अपना घर हो गया, क्या है एक साल के, चार साल के बाद अपना घर, मतलब यहाँ आए तो एक साल लगा दोस्तों अपना घर बनाने में। चलिए दोस्तों पोटी कर दिया, पोटी कर दिया, लंगड़ा लंगड़ा क्या गुल्लू पोटी कर दिया, देखिए साफ करो उसको, फ्रिज को खाली करेंगे क्या नंदनी, वो सारा सामान ऊपर तो हटा लेते हैं, पूरा गोदरेज से सारा सामान निकाल के कहाँ रखेगा, अच्छा ऐसा ऐसा झोला है दोस्तों, उसी में सब गुल्लू का ही है, गुल्लू का किताब भी है, पढ़ने तो नहीं जाता, पढ़ता कब है, भाग जाता पढ़ने का टाइम में, देख रहे हो बाहर में जाके गाड़ी देख रहा है कि क्या कर रहा है दोस्तों। ये देखिए एक झोला इसमें हो गया हमारा कपड़ा, एक झोला नंदिनी का साड़ी है खाली, अभी भी बाकी है एक कपड़, अब देखिए उधर साइड वाला में पूरा भर्ती पड़ा है साड़ी, पर नीचे तो खाली हो गया है पूरा हमारा गोदरेज, साड़ी ना पूरा मोड़ा आ गया, जो डुप्लीकेट है क्या, थोड़ा बहुत तो रहते ही साड़ी में प्रॉब्लम, मारना पड़ेगा, सारा सामान तो निकल ही गया दोस्तों, गोदरेज अब थोड़ा देर में पूरा खाली हो जाएगा। एक झोला साड़ी है, एक झोला से ज्यादा, ये तो एक झोला है दोस्तों, इसमें भी रखी है अभी उतना बाकी है, उसमें बहुत सारा साड़ी है, इसका पहनने का नाम ही नहीं, खाली एक ही सूट पहनती रहती है हमेशा साड़ी, अस्कती लगता है इसको, मेरे बहू के लिए रख रहे सब साड़ी, हाँ यही पहनेगा इसका बहू, और उस जमाना में अलग होता है बहू, है मेरे बहू पहनेगी मेरे बेटे, जमाना बदल रहा है, साड़ी पहनेगा कि सूट पहनेगा, जैसे तुम नहीं पहनती साड़ी वो क्या साड़ी पहनेगा, घुमाएगा बोलू तब तक बहुत, हाँ ठीक कर रहे, ठीक कर रहे तुम, हाँ ठीक कर रहे, पत्नी को वो नहीं रखेगा, बोलो नहीं चाहिए साथ साड़ी, देख अभी मोड़ ऐसे रहने दो, बाद में अरेंज करके रखेंगे उसको, पूरी तरह से खाली हो गया दोस्तों, ताला मार दे, हम दोनों मिलके इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों, उठ जाएगा देखो ना, हट बेटा उठ जाएगा ना, कि दोस्तों दिक्कत है नंदनी को तो भारी चीज उठाना के नहीं है, उठाने का नहीं बोला ना डॉक्टर, ऐसे भी नहीं उठाना चाहिए डॉक्टर से, अभी तो दिखाए भी नहीं है दोस्तों उसको, ले जाएंगे एक बार दिखा देंगे बढ़िया से, तो हम और भैया ये बुला लेते हैं तब निकलेगा दोस्तों, कहते हैं यहाँ से जी अपने से कर ले, बोले कि हम ही कर लेते हैं निकाल लेते ना जी, अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है दोस्तों, दोनों मिलकर ऐसे निकालते हैं धीरे धीरे, क्या बेचारा ठेल ठेल के ले जा रहा, लग रहा ठेला गाड़ी है, चले दोस्तों इनके हेल्प थोड़ा हम निकल, नीचे झुका के ले जाना पड़ेगा गेट के, गेट बहुत बड़ा, निकल जाएगा, निकल जाएगा ठीक है तो निकालिए, चले तो आप बोल रहे ना गेट बहुत बड़ा है, बच जाएगा, जाएगा।
कहाँ जा रहा? थोड़ा निकल जाएगा, निकल जाएगा दोस्तों। आप तो ए गुल्लो, ए क्या किया है, क्या लिया तुम? ए मेरा सैंडल पकड़ ला, बर्बाद मत करो, चलो चलो पापा के साथ हेल्प करो, चलो निकल जाएगा ना। निकल गया दोस्तों, चले निकाल लेते इसको। फाइनली दोस्तों आशा जी निकाल लिए लास्ट में बाहर, अब ले जाना पड़ेगा। निकल ही गया दोस्तों, इसको करके साथ हम बाहर निकाल लेंगे, अगर सामान निकाल लेंगे उसके बाद इसको बुलाएंगे, फिर एक की बार बोलेंगे, एक की बार वहां रख दीजिए क्या। हां तो इतना नहीं करना पड़ेगा ना करके, इसलिए तो चलो दोस्तों अभी गोदरेज निकला है अभी। कितना चिल्ला रहा है फालतू का, हो गया चले पे तो हो गया। अब पलंग खोलेंगे ना। हाँ तो बड़ा बड़ा सामान है उसको पहले करना है, पलंग ना कपड़े अच्छे हटा रहे, सब कपड़ा हमको हटाना पड़ेगा दोस्तों। अब तो पलंग की बारी है, पलंग को खाली। तुम क्यों परेशान हो जाती है, तोड़ दे मेरा पलंग, तोड़ी देगी तू, देख कितना आवाज किया, क्या ना आराम से खोलना है, देखो उसको नीचे तो पूरा उठा दे रहा है, तो बोलते हैं आराम से करने के लिए, पकाए रहती है कैसे, पहले सामान निकाल उसके अंदर से, चलिए इसको पूरा खोलेगा पलंग को दोस्तों, अंदनी तो पूरा मत नुकसान करने पर रहती है, जल्दी जल्दी में पहनता कब है, खोल लिए है अब बाहर निकालेंगे सभी को, बहुत कचरा था ना नीचे, बहुत कचरा ये बहुत है, चलिए सारा ये तो हमें परेशान कर दिया, पूरा पलंग खोलने में नट खोल दे रहे हैं, जाके नट लगा दे रहा है, बार बार ऐसे कर रहा है जाके, जितना दिमाग लगाते है बहुत बदवा देते हैं, चलिए अब सभी को बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम दोनों मिलके निकाल देते हैं, उठाना नहीं है तो नीचे बफर लगा देते हैं, टांग के लेना है, उनको नहीं उठाना है, थोड़े से हम टांग लेंगे, इतना रहना है उसे करके ले जाना है, नंदिनी हमेशा उठाने में लगी थी, ऐसा बदन ज़्यादा है कहीं खेलने भी आ जाएगा। हाँ हो गया रुको, चलिए इसको हम यहाँ रख देंगे ना, अब इधर रखो, अब तुम इधर चलिए निकल गया फिर काफी भारी था ना, कुछ नहीं हुआ, चलिए दोस्तों हालत खराब हो जा रहा है निकालने में, ये तो भारी भी ज्यादा है, इसमें तो ज्यादा लोचा है, ये एक तो है तो ये है, एक तो फ्रिज है और अरे वो कूलर है, बस इससे ज्यादा बड़ा बड़ा सामान हमारे पास है भी नहीं, यही तीन चार चीज में हम लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी आराम से हो जाएगा, भूख भी लग रहा, तो नाश्ता वास्ता बनाओ खाएंगे, रोटी बना दे रहे रात का सब्जी हो जाएगा, ठीक है तो बनाओ, तो मौसम भी लग रहा खराब हो रहा है, पता नहीं बारिश आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आए तो ही ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत काम है, सारा सामान निकालना है भी है मेरे को, इधर नंदिनी का खाना बन गया, खा लीजिए इसके बाद, बन गया तो खाएंगे नहीं क्या, का क्या हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्या है तेरा भी दूध रोटी रखे बेटा, अरे तुम्हारा दूध रोटी खाना ना, ठीक ये नहीं खाना है सब्जी रोटी है, ठीक आइट करता है दोस्तों, चलिए हम खाते हम बैठे हैं ना,
गुल्लू भी हमारे साथ आकर बैठ गया, खाना खाएगा बोल रहा है। चलिए दोस्तों, तो खाना वाना खा लेते, आप लोग भी खा लिए, रोटी और सब्जी है, नाश्ता है अभी सुबह का, नाश्ता तो कर लिए दोनों दोस्तों, सारा सामान भी आधा निकाल गया है और थोड़ा फ्रिज उरीज जाते यही सब बचा, किचन का ज़्यादा सामान है, किचन में नंदी का बहुत सारा सामान। भी सोला दिए तो मेरा हेडक खत्म हो गया, गुल्लू सो रहा दोस्तों, चलते हैं किचन, घर को देखिए दोस्तों, पूरा कचरा बन गया हमारा घर, देखिए पूरा कचरा बना पड़ा है पूरा घर, कबाड़ खाना कर दिए, धो दिए सब, धो के रख दिए बर्तन पर जितना पैसे हुए, सब कुछ हो गया खाई, अब इसको नया घर में जा रही है, नन्नी पर चक चक कर देगी, इसको भी ले जाना है ना, शरबत बोले थे पी लो, क्या रखी है समझ नहीं, तो पैसा मिला रुपया, कहाँ पैसा रखती है पता नहीं दोस्तों, फेंक दो, कोई काम का नहीं है सर, बीच एक लाइटर भी रखती है, बहुत सामान है ये, आप देखो एक देखिए दोस्तों क्या मिला हमें, मछली मिला दोस्तों, हम क्या खोज रहे थे कि कहाँ है, कहाँ है, जहाँ तहाँ रखती है सामान, आखिर में देखिए मिला, कहीं हम बोले भी थे ना, पहन ले, हमेशा हैरा देती है, हम अभी बेसर चाहिए हमको, नहीं अभी यहाँ पे नहीं आ कौन इसको मिल गया तो दोस्तों, अब उसमें भी नोट नोट अंक हो रहे, अच्छा लग रहा दोस्तों, बहुत काफी दिन तक हम नहीं पहने, अगर है ये जजीरा है, खा ले जल्दी, बहुत सामान मिलेगा क्योंकि घर खाली होने पे कौन सा सामान कहाँ रख दिया जाता पता नहीं चलता ना दोस्तों, सब कुछ मिलता, देख सकते सांप घुस गया हमारे घर में, अभी हम खोलने आए थे, खोलो खोलो खोलो, अभी आया ना भाभी को दरवाजा खोलने आया तो देखिए सांप है यहाँ पर, चला डंडा ला, डंडा ला, घर ना खाली कर रहे, देख देख रहे ना दोस्तों, हर टाइम ना कुछ निकलते रहता है इधर, भागे भागे भागे, उधर जा रहा है, हमेशा सांप निकलता है दोस्तों, आज खाली कर रहे घर तो भी सांप निकला, ये सब काटता तो नहीं लेकिन हर बार यही सांप रहता है, ये कितना खतरनाक दिख रहा है, ये इतना बड़ा है, बाप रे, नहीं ये पता है काटे से बचेगा भी नहीं, बाप रे, घुस रहा देखो, घुस गया, हाँ इसी में घुस गया, जा ये माँ बताओ, पता नहीं क्या है जहाँ घुस गया दोस्तों, अब ऐसा जगह घुस गया है कि हम लोग को आज डर लगेगा, मेन दुघारी पर ही सांप घुस गया, बाबू आते रहते हैं इन्हीं टाइम, गुल्लू इधर ही खेलता है दोस्तों, डर बहुत लगेगा, ये आज ही खाली करके गुल्लू को उधर ले जाएंगे, देखिए ना उधर ऐसे किसी, वो अंदर घुस गया, छेदा है दोस्तों उसमें, इतना बड़ा है तभी ना घुस गया, छेदा तो ना घुस गया, बहुत बड़ा छेदा हुआ ना, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ए महादेव हमारा कुछ ना करिए, मैं बाल बच्चों का जाने दीजिए दोस्तों, इधर तो हमेशा ही सांप निकलता, तो हम आशीष जी भी निकाल रहे, बच गए, अगर जो आप बताए ना, तो फिर कहता किधर घुसता पता भी नहीं चलता, इतना सामान था निकाला हुआ, इतना सामान था निकाला हुआ, सही बात है, टाइम से जल्दी निकालने, इसको भी निकाल लेते, मगर अंदर ना बहुत गंदा पता है, देखिए साफ करेंगे ना वाले, इसको भी साफ करना होगा दोस्तों, अभी करेंगे बाद में, कर लेते हैं यही वाला, यही कर ले, देखते हैं कि नहीं तो फिर कर उड़ के, कहाँ पका पका है बगल में, नहीं पका तो वहाँ पे बाहर नहीं है दोस्तों, किचन में रख के धोएंगे, किचन में रख के कैसे धो पाएगी, किचन में पानी निकलने का जगह भी नहीं, पूरा किचकिच हो जाएगा, सारा सामान हम लोग बाहर निकाल के रख दिए दोस्तों, आज सभी को नंदिनी साफ करेगी, वहाँ करने में थोड़ा नहीं बनेगा ना दोस्तों, तो बोल रहे हैं दीदी, बोल रही यहीं पे कर लो साफ, वहाँ पर मट्टी है मेरे सामने में तो गीला गीला हो जाएगा पूरा, नंदिनी दीदी पूरा साफ करेगी, सबको साफ कर लेंगे, गंदा हो गया सब, पलंग को आप साफ कीजिए, अभी इधर हम कर रहे हैं साफ, सभी को साफ करेंगे धीरे धीरे, बहुत गंदा, बहुत दिन से साफ भी नहीं हुआ, एक साल हो गया सर, ऊपर ऊपर साफ होता है, तो ऊपर ऊपर में साफ करते, जब खोलने का बाद अलग कचरा रहता है, वो कैसे कर तोड़ देगा क्या, ये है लॉक हो गया घस के,
तो ये ऐसे करके निकलेगा, ये तोड़े देगी सबको मेरा। हमको इतना पता थोड़ी। इसी जगह नंदिनी अपना धो ले रही दोस्तों, यहाँ से पाइप निकालेगी, यहाँ आराम से ऐसे करके धो लेगी। ऊपर से पानी आ ही रहा है, बेसिन में सब हो जाएगा काम। तो अभी लगड़ने से कैसे होगा? फूलेगा तो ना, सबको फुलाएगा तब तो सही से। ऐसे भी मेरा घर में इतना कचरा थोड़ी है। तो किसका घर में कचरा है? देखिए मेरे को पूरा भिगा देंगे आप, तो हमारा फ्रिज एकदम साफ कर दे, एकदम चकाचक न्यू हो गया, जैसे हम लाए थे खरीद के और उसे बना दिए फ्रिज को। अभी सब रख दिए, इसका जितना भी है ना आठ पाँच पुर्जा सब सूखने के लिए रखे हैं। हमारा सारा सामान बाहर निकल गया, खाली यहाँ कूलर रहेगा अभी थोड़ा देर, आज तो नहीं जाएंगे वहाँ पर। सामान शिफ्ट करने में हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, क्या नहीं? हालत खराब हो जाएगी। अभी तो बाहर ही निकालते निकालते हालत खराब हो गया, सब अजवार दिए हैं कि ले जाने के लिए, और काफ़ी थक गए हम लोग दोस्तों। तो सोचे खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि बहुत रेस्ट कर लेंगे दोस्तों। कितना करेंगे, दो जन है तो मेहनत नहीं करने का, धीरे धीरे करेंगे। दो जन है दोस्तों, ये सिंगल जन है। तो दो जन है, एक हम हमारे आने वाले दीदी वो तो है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा चलते हैं रेस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों, आपको बाकी का जितना भी वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा और बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है दोस्तों, तो जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।